बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। नागपुर में रील बनाने के चक्कर में बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत और 3 लोग घायल। नशे में तेज रफ्तार से चला रहे थे कार। सीवियर एक्सीडेंट था जिसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 जो है वो सीरियसली इंजर्ड है, इसमें से 1 जो है अभी आईसीयू में है। दिल्ली में बवाना मुनक नहर टूटने से रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हुए। हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। कानपुर देहात में दबंगों की दबंगई आई सामने, रुपए न देने पर युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आग का तांडव, टाउन हॉल के पास कपड़े, प्लास्टिक और बैग की दुकानों में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। हाथरस बस हादसे में 2 और लोगों की मौत हो गई, करीब 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाथरस डीएम आशीष कुमार ने इस बात की जानकारी दी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जांच रिपोर्ट, सीलबंद लिफाफे में फाइल दी गई। यूपी में पेपर लीक मामले में एक्शन, विधायक बेदी राम और विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। महाराष्ट्र में 12 जुलाई यानी कल विधान परिषद के चुनाव है, 11 सीटों के लिए मैदान में 12 उम्मीदवार हैं। चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना ने बुलाई विधायकों की बैठक, शिवसेना विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे शिंदे। कांग्रेस के वाल्मीकि घोटाले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का हमला, कहा कर्नाटक में कांग्रेस ने खटाखट लूट मचाई है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में खटाखट लूट कर रही है, कभी वो जनता के टैक्स को बढ़ाती है, पेट्रोल डीजल दूध सबके दाम बढ़ाती है, और कभी तो सीधे सीधे वाल्मीकि ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लूट मचाती है। मैनपुरी में पुलिस के पहरे में हो रही भोले बाबा की भक्ति, कुटीर आश्रम में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, बाबा की भक्ति में लीन दिखे भक्त। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, 2 से 3 राउंड गोलियां चली हैं, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना ने 9 महीने बाद 3 लापता जवानों के शव बरामद किए, लद्दाख में एवलॉन्च की चपेट में आए 3 सैनिक। पुणे में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती, नशे में गाड़ी चलाते पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा, हिट एंड रन की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बढ़ाई गई सख्ती। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर निगम में थूक पर हुआ हंगामा, जन समस्याओं से जुड़े दस्तावेज पलटते वक्त कांग्रेस पार्षद ने थूक का इस्तेमाल किया। दिल्ली के बजनपुरा इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई, कई युवकों ने मिलकर एक युवक पर हमला किया, इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत हो गई। यूपी के चंदौली में आकाशीय बिजली का कहर, बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हुई, कई लोग झुलसे। श्रीनगर में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन, अपनी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जताया। तमिलनाडु के मदुरै में कपलूर टोल प्लाजा को हटाने को लेकर लोगों का प्रदर्शन, पुलिस की भारी टीम मौके पर मौजूद, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में बदलते मौसम से लोगों को मिली गर्मी से राहत, कई जगहों पर हुई बारिश, जलभराव से कई जगह यात्रियों को परेशानी भी हुई। यूपी के शाजापुर में बाढ़ से हालात बेकाबू हुए, सेना ने संभाला मोर्चा, लोगों के घरों में पानी घुसा, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। राजस्थान के उदयपुर में आपदा टीमों ने संयुक्त रूप से किया अभ्यास, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए किया गया मॉक ड्रिल।